बच्चों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक मेधा के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है ईदगाह। बच्चों, ईदगाह का अर्थ क्या होता है? ईदगाह का अर्थ ये है वह स्थान जहाँ ईद के मौके पर लोग जमा होकर नमाज अदा करते हैं, इसे कहते हैं ईदगाह। और ईदगाह एक कहानी है जिसको मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी में एक छोटे बालक का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है, जिसमें वह छोटा बच्चा अपनी दादी के लिए अपनी सारी इच्छाओं को दबा देता है। अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं, तो आप सुनिएगा ध्यान से। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है आज का। सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गाँव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं, कोई पड़ोस के घर सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए, मींस टाइट हो गए, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे दो। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमी से मिलना है। दोपहर से पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, यानी कि छोटे बच्चे जो थे वो बहुत खुश थे ईदगाह जाने के लिए। किसी ने एक रोज़ा रखा, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए नहीं। तो ईद है, रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, इन्हें गृहस्थी की समस्याओं से क्या प्रयोजन। उनकी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, यानी उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, यानी कि 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। यहाँ बच्चे बहुत दिनों से ईद की का इंतज़ार कर रहे थे, जैसे कि आप लोग भी हर एक फेस्टिवल का यानी त्योहारों का इंतज़ार करते हैं। और अपनी जो मन की इच्छाएँ हैं कि ये करना है, इस तरह से अपने अच्छे कपड़े खरीदने, बहुत सारी इच्छाएँ होती हैं। इसी प्रकार यहाँ भी छोटे बच्चे ईद आने का इंतज़ार कर रहे थे। जब ईद आई तो वो उतावले हैं ईदगाह जाने के लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है, जिसका पिता गत वर्ष हेजे की भेंट हो गया, फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। और उतना ही प्रसन्न है उसके अब्बा जान। रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। जब वो आएंगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा कि महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। यानी कि यहाँ बच्चा अपने माता पिता के बारे में सोच रहा है, उसे ये नहीं पता कि वो इस दुनिया में नहीं है, पर उसकी अपनी एक कल्पना है कि मेरे पिता पैसे कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह के पास से बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगी। तो उसकी कल्पना है कि वो जब आएंगे तो मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सब देखेंगे कि इसके पास पैसे कहाँ से आए, और वो अपने पैसों को देखेंगे कि ये इतने पैसे कहाँ से निकालेंगे। तो यानी कि उसकी अपनी कल्पना चल रही है। आप लोग भी कल्पनाएं करते हैं ना। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। उसका दिल कचोट रहा है, यानी कि परेशान है बहुत। वो गांव के बच्चे अपने अपने अब्बा के साथ जा रहे हैं। हामिद का अब्बा अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे नहीं जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं।
कुल 2 आने पैसे हैं, जिसमें से अमीना ने 3 पैसे हामिद को दे दिए। अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे, यानी कि उसकी दादी ने उसको पैसे दिए और भगवान के ऊपर यानी परमेश्वर के ऊपर उसने छोड़ दिया कि वही सब कुछ रास्ता निकालेगा। गांव से मिला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हों, वह कभी थक सकता था। शहर का दामन आ गया, यानी कि शहर में वो पहुंच गए। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब है, घर है। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ यानी कि कालीन। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक ना जाने कहां तक चली गई है। यहां कोई धन और पद नहीं देखता, यानी कि भगवान के घर में कोई ना तो कोई पद होता है, ना कोई पैसे वाला होता है, ना पद वाला या किसी भी पोस्ट पे, सब बराबर होते हैं। ईश्वर की इस्लाम की नज़र में सब बराबर हैं। सब ग्रामीणों ने भी प्रवेश किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए। भ्रातृत्व यानी कि भाईचारे में। नमाज खत्म हो गई, लोग एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। तभी मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल किसी भी विषय में कम उत्साहित नहीं है। ये देखो हिंडोला है, हिंडोला में जानते हो झूला जो ऊंचाई पे गोल गोल घूमता है। यह चक्री है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूरे और सिमी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरकर खिलौने की दुकान की ओर बढ़ते हैं। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोलना ही चाहते हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन। महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, नूरे को वकील से प्रेम है। सब 2-2 पैसे के खिलौने, यानी कि सब बच्चे मेले में घूम रहे हैं, झूला झूल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपने खिलौने खरीद रहे हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वे कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा। यानी कि वहाँ यहाँ वो बच्चा अलग अलग तरीके निकाल रहा है कि यदि खिलौने नहीं खरीदना। क्यों? क्योंकि यदि पानी गिर गया तो रंग चला जाएगा, नीचे गिर जाएंगे तो टूट जाएंगे। पर वो अपने पैसों को अपने पास रखे हुए है और कुछ सोच रहा है कि किस तरह से मैं कोई काम आ जाए ऐसी चीज़ मैं खरीद सकूँ। झूला झूलना उसको बेकार लग रहा था कि 25 चक्कर के लिए पैसे क्यों खराब करना। खिलौने के लिए भी ऐसे ही सोच रहा है, यानी कि यहाँ बच्चा अपनी समझदारी दिखाया जा रहा है कि किस तरह से मैं कोई ऐसी चीज़ लूँ जिससे मेरे और दादी के काम आ सके। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली तो किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। कभी सभी बड़े मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से अलग है, यानी कि अपने ग्रुप से अलग खड़ा हुआ है। अभागी के पास 3 पैसे हैं। ललचाई आँखों से वह सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षक नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी, खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं।
हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सलीब पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, कितनी मिठाइयाँ ली लेकिन मुझे किसी ने एक भी ना दी। खाए मिठाई आप, मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जवान चटोरी हो जाएगी। अम्मा चिमटा देखकर दौड़कर मेरे हाथ में से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। हजारों दुआएं देंगी, इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया, हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे, 6 पैसे नहीं थे। यही सुनकर उसका दिल बैठ गया। फिर बोला, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? और आगे बढ़ गया कि दुकानदार कहीं उसे घुड़कियाँ ना दे दे, यानी कि धमका के ना भेज दे। लेकिन दुकानदार ने उसे बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे कंधे पर इस तरह रखा मानो बंदूक है। फिर शान से करता हुआ अपने संगियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया है पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चा की। महमूद बोला, यह कोई खिलौना है? हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। यानी कि उसने उस चिमटे को खरीद के अलग अलग तर्क दिए कि देखो यदि तुमने जो खिलौने खरीदे हैं सब टूट जाएंगे, और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे हैं, बट वो क्या कह रहा है कि तुम्हारे खिलौने नीचे गिर जाएंगे टूट जाएंगे, देखो मेरा चिमटा नीचे गिर जाए तो टूटेगा नहीं, खिलौना भी बन गया, कंधे पर रखा तो बंदूक बन गई और फकीरों का चिमटा बन गया। यानी कि वो अलग अलग तर्क दिए जा रहा है और उनको चुप करा रहा है। सम्मी ने खजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खजरी से बदलोगे 2 आने की? हामिद ने खजरी को अपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास थे? फिर मेले से दूर निकल आए, धूप तेज हो रही थी, घर पहुंचने की जल्दी है, बाप से जिद करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक। यानी कि यहाँ उसके दोस्त समझ गए कि इसने बड़ी चालाकी से ऐसी चीज़ ली है और अब हमारे पास पैसे भी नहीं है, हम कैसे करेंगे। इसलिए उसने अपने पैसे बचा कर रखे थे और उन्हें 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। सची तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे, हामिद का चिमटा बरसों बना रहेगा। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो और तुम हमारी भिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। महमूद को भूख लगने पर उसके पिता ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया, यानी कि शेयर किया केलों को। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए, यह उस चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ गिरे और प्रलोभ सिधार गए, यानी कि वो टूट गया। नूरी के वकील को बैठाने के लिए दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर पटरा रखा गया और कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरी ने जो ही पंखा झलना शुरू किया तो ही वकील साहब का
माटी का चोला माटी में मिल गया, यानी कि मिट्टी का खिलौना मिट्टी बन गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ, यानी कि रोना स्टार्ट हुआ। वकील साहब की अस्थियां घोड़े में डाल देगी, यानी कि कूड़े पे डाल देगी। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अम्मी उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी और बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया है? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई चीज़ ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध कुछ स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, कितना साहस इसे हुआ कैसे। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? समझ में आया बच्चों? यहाँ एक छोटे से बच्चे ने इतनी मतलब समझदारी दिखाई, उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे, उसी को उसने बचा कर रखा और क्या खरीदा उसने? चिमटा। क्यों? क्योंकि उसे याद आया जब दादी रोटी बनाती थी तवे पर उनका हाथ जल जाता था, और वो 3 पैसे का चिमटा उसने अपनी दादी के लिए खरीदा और अपने दोस्तों को, जो उनके के दोस्तों ने जो खिलौने खरीदे थे वो भी उसके सामने क्या हो गए? फीके पड़ गए। तो बच्चों, हमें भी अपने माँ बाप की आज्ञा माननी चाहिए, या फिर और जो माँ बाप कहते हैं, और माँ बाप की परिस्थितियों को जानना चाहिए कि सच में माँ बाप की परिस्थिति किस तरह की चल रही है। हमें कभी जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि समझदारी दिखानी चाहिए कि हमें कोई फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पैसा खर्च करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने कोई चीज़ खरीदी है तो वो चीज़ मैं भी खरीदूँ, ऐसा नहीं। उसके पेरेंट्स ने किस उससे दिलाया है वो उसको पता है, और आपके पेरेंट्स नहीं दिला पा रहे हैं तो कुछ कारण होगा, तो जिद नहीं करनी चाहिए। यहाँ एक छोटा बालक है, वो इतना छोटा है और उसने उसमें भी समझदारी दिखाई, पूरे मेले में घूम लिया, ना खाया ना कुछ झूला झूला, और ना ही कोई कुछ खाया और ना खिलौना खरीदा, और ख़रीदा सिर्फ चिमटा। इसलिए हमें भी समझदार होना चाहिए, अपने पेरेंट्स की आज्ञाओं को मानना चाहिए और अपने माँ बाप की बात को, उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए कि वो हमें किसी चीज़ के लिए क्यों मना कर रहे हैं। जिद नहीं करना। यदि आपके पास कुछ है तो उसको सेविंग करके रखिए, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी उसको खर्च करना चाहिए। ठीक है बच्चों?